Welcome back to your favorite channel Magnet Brains.

ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जाना था कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर यदि कोई होता है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है सो so चैप्टर पूरे कंप्लीट कर लिए सभी चैप्टर्स के असेसमेंट केन्सर्स एवरी थिंग भी कंप्लीटेड कैसे एक्सेस कर सकते हो आप सारे वीडियो लेक्चर्स को यूट्यूब प्लेलिस्ट के थ्रू जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाना है मैग्निंस वेबसाइट के थ्रू या फिर मोबाइल ऐप को भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो सभी जगह से सारे वीडियो लेक्चर्स हंड्रेड परसेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है रिमेंबर इसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना होता है राइट सो नीड क्यों हुई ऑपरेटिंग सिस्टम की किस लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती है कंप्यूटर सिस्टम में सो so, अभी तक आपको इतना तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा एंड इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो के एंड तक और अच्छे से समझ में आ जाएगा जानना चाहोगे तो स्टार्ट से लेकर एंड तक वीडियो में बने रहना सो हार्डवेयर इज नथिंग बट फाइनली डिजाइन मशीनरी ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हार्डवेयर सिस्टम्स जो होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी हार्डवेयर होते हैं वो कुछ नहीं होते हैं सिर्फ एक मशीन होते हैं जब तक कि आप उन हार्डवेयर को कुछ इंस्ट्रक्शंस नहीं दोगे तब तक वो हार्डवेयर कोई वर्क परफॉर्म नहीं करेंगे सो अ मशीन इज अल्टीमेटली अ मशीन ओनली विच इज ऑलवेज मेड टू वर्क इन केस ऑफ कंप्यूटर्स इट इज आइदर अस इफ वी डू दैट और सम अदर विच डज़ इट फॉर अस या तो कंप्यूटर सिस्टम की जब हम बात करें उसमें हार्डवेयर की जब बात करें तो या तो आप कुछ उसमें काम करो या फिर वो डिवाइसेस आपके लिए कुछ काम करके दे ठीक है तो इसके लिए हमें जिन इंस्ट्रक्शन को जिस कमांड्स को कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर तक पहुंचाना होता है बेसिकली वो सम अदर क्या कहला रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है सो द सम अदर इज नथिंग बट आर वे ओन ऑपरेटिंग सिस्टम आगे गई बात समझ में ये लाइन्स हमने पहले भी पढ़ी हुई हैं अब ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी सो so उसके लिए हमें इन लाइन्स को फिर से पढ़ना पड़ा मीन्स कि कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर्स होते हैं सॉफ्टवेयर्स होते हैं हार्डवेयर कुछ भी नहीं है यदि आप उनको चाहते हो कि वो हार्डवेयर आपके लिए काम करें जितने भी डिवाइसेज हैं लैपटॉप मॉनिटर कंप्यूटर पीसी ठीक है जितने भी डिवाइसेज हैं वो आप चाहते हो कि आपके लिए काम करें आप उनमें कुछ टास्क परफॉर्म कर सको सो इसके लिए आपको जिसकी ज़रूरत होती है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी सॉफ्ट होते हैं उन्हें इंस्ट्रक्ट करता है कि यूज़र के लिए ये काम को करके दो आई बात समझ में सो so, ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ जस्ट लाइक आर सेक्रेटरी यदि एक एग्जाम्पल से और समझे हम तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम एक सेक्रेटरी की तरह होता है जैसे कंपनी में बॉस होते हैं बॉस के अंडर सेक्रेटरी होती है सेक्रेटरी का पूरा काम होता है अपॉइंटमेंट फिक्स करना मीटिंग शेड्यूल करना इंप्लॉइज़ को अपॉइंटमेंट देना एंड एवरी कब किस डेट पर क्या करना है आज का क्या शेड्यूल है कल का क्या होने वाला है सारी चीज़ इन्फॉर्म करना सारी चीज़ को मैनेज करना ये सब काम सेक्रेटरी का होता है समझते हो ना बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम भी काम करता है सो so, ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ जस्ट लाइक आर सेक्रेटरी एज द बॉस गिव्स ऑर्डर टू हिज सेक्रेटरी एंड द सेक्रेटरी डज ऑल द वर्क फॉर हिज बॉस है ना बिल्कुल वैसे ही आप कंप्यूटर को ऑर्डर देते हो कि ये फाइल प्रिंट करना है ये गेमिंग एप्लीकेशन को ओपन करना है इस मूवी को स्टार्ट करना है ये सॉन्ग प्ले करना है आपने इंस्ट्रक्शन दिए लेकिन इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कौन कर रहा है इन इंस्ट्रक्शंस को कंप्लीट कौन कर रहा है किसके सुपरविजन के अकॉर्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग आई बात समझ में तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरीके से कंप्यूटर सिस्टम में सेक्रेटरी का, का काम कर रहा होता है और यूजर्स बॉस होते हैं जो ऑर्डर देते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम वो काम सारे इंप्लॉयज से सब चीज़ों से सारे डिवाइसेस से करवाता है आई बात समझ में अच्छे से सो द सेक्रेटरी डिसाइड्स हाउ टू डू व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू अब यहाँ पे यदि हम बात करें तो सेक्रेटरी खुद डिसाइड करती है या करता है कि किसी भी काम को कैसे करना है कब करना है और क्या करना है है ना सो so, बिल्कुल ऐसे ही देखो कंप्यूटर सिस्टम में भी सारे डिवाइसेस होते हैं ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं। और हर एक काम को करने के लिए एक एक स्पेसिफिक डिवाइस होता है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया क्या बताया है? पहले भी स्टूडेंट्स कि कंप्यूटर सिस्टम में अलग अलग डिवाइसेस होते हैं यदि हम बात करें यदि हम बात करें यहाँ पर सपोज इनपुट डिवाइस की किसकी इनपुट डिवाइस की तो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू आप कंप्यूटर में इनपुट इनपुट कर सकते हो ठीक है बिल्कुल इनपुट कर सकते हो कि नहीं तो आपने इनपुट करा तो उसके लिए इनपुट डिवाइसेज़ यूज़ किए गए ठीक है फिर आपको प्रोसेसिंग करवानी है तो उसके लिए आपने सीपीयू का यूज़ कर लिया सीपीयू में प्रोसेसर होता है जो आपके टास्क को प्रोसेस करता है ठीक है तो प्रोसेसर प्रोसेसिंग का काम कर रहे हैं डेट यहीं पर मेमोरी होती है एक डिवाइस जिसमें आप डेटा को स्टोर कर सकते हो तो स्टोरेज के लिए आप मेमोरी का यूज़ कर रहे हो वही आउटपुट डिवाइसेस होते हैं जो आपको आउटपुट रिटर्न करते हैं ठीक है जैसे मॉनिटर प्रिंटर्स ठीक है प्लॉटर वगैरह अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या रोल है इनपुट देने के लिए इनपुट डिवाइस है आउटपुट देने के लिए आउटपुट डिवाइस है प्रोसेसिंग के लिए प्रोसेसर है मेमोरी में डेटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी है तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत क्यों है फिर ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत क्यों है सोचा है कभी ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत क्यों हो रही है जब आप यहाँ पे कीबोर्ड डिवाइस का यूज़ कर रहे हों जब आप यहाँ पे कंप्यूटर uh, में इनपुट देने के लिए कीबोर्ड का यूज़ कर रहे हों ठीक है कीबोर्ड से आपने डेटा इनपुट किया है ना डेटा का फ्लो होता है और मेमोरी के पास में डेटा पहुंचता है डेटा आपका मेमोरी में पहुंचा मेमोरी से प्रोसेसर के पास पहुंचेगा प्रोसेसर एग्जीक्यूट करेगा आउटपुट जनरेट करेगा फिर मेमोरी में आ जाएगा आउटपुट और यहाँ से फिर आउटपुट आपको आउटपुट डिवाइसेस पे दिख जाएगा ठीक है तो इनपुट के लिए इनपुट डिवाइस है आउटपुट के लिए आउटपुट डिवाइस है प्रोसेसिंग के लिए प्रोसेसर है डेटा स्टोर करने के लिए मेमोरी तो ऑपरेटिंग सिस्टम का फिर क्या काम है क्यों जरूरत पड़ रही है तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि ये जितने भी डिवाइसेस हैं ना है. ये सब काम भी काम सही से नहीं करते हैं इन पर नजर रखने के लिए, इन पर पर नज़र नज़र रखने रखने के के लिए लिए इनसे काम करवाने के लिए इन सभी डिवाइसेस से काम करवाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता है इस सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है आई बात समझ में इनपुट डिवाइस से इनपुट जनरेट हुआ वो इनपुट पहुंचा कि नहीं पहुंचा कितने तरीके के इनपुट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इनपुट होते हैं सभी इनपुट अलग अलग तरीके से आप प्रोवाइड करते हो माउस से अलग इनपुट देते हूँ कीबोर्ड से अलग देते हैं स्कैनर से अलग टाइप का इनपुट देते हो ठीक है वेब कैम से इमेजेस का इनपुट देते हो माइक्रोफोन से माइक से आप अलग टाइप का वॉइस इनपुट देते हो तो ऐसे अलग अलग टाइप के इनपुट डिवाइसेस को हैंडल कौन कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल कर रहा है तो इनपुट डिवाइसेस को मैनेज करना कि ये सही तरीके से इनपुट एक्सेप्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं प्रोसेसर तक मेमोरी तक पहुँचा रहे हैं नहीं पहुँचा रहे हैं फिर मेमोरी और प्रोसेसर को मैनेज करना कि प्रोसेसर ने जितने भी टास्क यूजर ने इनपुट किए हैं उनको इसने प्रोसेस किया नहीं किया ठीक है और प्रोसेस करने के बाद में फिर आउटपुट आउटपुट यूनिट तक सेंड करा नहीं करा ठीक है आउटपुट यूनिट ने सही तरीके से आउटपुट जनरेट किए नहीं करे तो ये जितने भी डिवाइसेस होते हैं ना कंप्यूटर के जिसे हम आईपीओ साइकिल के नाम से जानते हैं ये एक्चुअली कंप्यूटर की फंक्शनिंग को ही डिफाइन कर रहा है ना तो कंप्यूटर को फंक्शन करने के लिए कंप्यूटर में जितने भी डिवाइसेज हैं इन सब के काम पर नजर रखने के लिए कि ये सही तरीके से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं इसके लिए बेसिकली हमें जरूरत होती है जिस डिवाइस की वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम आई बात समझ में जैसे कंपनी में इंप्लॉयज होते हैं इंप्लॉइज पे नजर रखने के लिए मैनेजर होता है जो ओवरऑल कंपनी में कंपनी में इंप्लॉयज कंपनी के जितने भी टास्क हैं उस पर फाइनेंशियल एक्टिविटीज पर हर एक डिपार्टमेंट पर नजर रखता है उनको कंट्रोल करता है वैसे ही यहाँ पर एक मैनेजर होता है कंप्यूटर सिस्टम में भी जो ओवरऑल सारे काम को करता है। बात समझ कर देता है बॉस सेक्रेटरी को बताता नहीं कि आपको कब कैसे कहा किस तरीके से काम करना है बॉस का, का काम सिर्फ ऑर्डर देना है वैसे यूजर का, का काम सिर्फ एक्शन परफॉर्म करना है मतलब यूजर को सिर्फ इनपुट देना होता है काम कैसे करना है किससे करवाना है क्या करना है ये सब किसका काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है सो सेक्रेटरी हिमसेल्फ डिसाइड हाउ टू डू व्हेन टू डू एंड व्हाट टू डू रिक्वेस्ट टू ऑपरेटिंग सिस्टम वी पास आर ऑर्डर और रिक्वेस्ट टू कंप्यूटर सिस्टम है ना ऑपरेटिंग सिस्टम द ऑपरेटिंग सिस्टम डज इट फॉर अस तो हमारे लिए जो बंदा काम कर रहा है कंप्यूटर सिस्टम में वो सॉफ्टवेयर कौन सा है ऑपरेटिंग सिस्टम है तो यूजर एक तरीके से बॉस है जो ऑर्डर करते हैं रिक्वेस्ट करते हैं कंप्यूटर से काम करवाने के लिए और कंप्यूटर में जितने भी डिवाइसेज है उनसे काम करवाने के लिए यहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो यूजर की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और कंप्यूटर के डिवाइसेज तक उन रिक्वेस्ट को पहुंचाता है और काम करवाता है ठीक है ऑपरेटिंग सिस्टम

प्राइमरी गोल होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ दस्ट टू मेक कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज़ पहले तो यूजर को फैसिलिटी देना कि यूज़र कंप्यूटर डिवाइस को कन्वीनियंटली यूज़ कर सके तो यूज़र को फैसिलिटी देना ये कंप्यूटर ये ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क हुआ दूसरा जो गोल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो होता है इज़ टू यूज कंप्यूटर हार्डवेयर इन एफिशियंट मैनर तो कंप्यूटर में जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस है वो सब सही तरीके से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं एफिशिएंट मैनर में यूज़र को फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये दो काम होते हैं तो कुल मिला के यहाँ से आपको अगेन एक चीज समझ में आ गई कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर्स और हार्डवेयर्स इन दोनों को फैसिलिटी प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं यूजर के जितने भी टास्क हैं उनको एग्जीक्यूट कैसे करवाना है हार्डवेयर से एफिशिएंट मैनर में ये एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम का गोल होता है ठीक है यही उसका एक मोटिव होता है ओके आ रही बात समझ में ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लेकिन जरूरत क्यों बड़ी ऑपरेटिंग सिस्टम की इसे डिटेल में होप आपको आज समझ में अच्छे से आ गया होगा नाउ दस वी कैन समराइज दैट अब इस सारे पॉइंट्स को यदि हम समराइज करें तो हम कैसे समराइज कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम इज वेरी क्रूशियल एंड नीडेड फॉर फॉलोइंग रीजन कि कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज्यादा जरूरी पार्ट होता है क्यों एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम विच एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर टू कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र और हार्डवेयर दोनों के बीच में एक इंटरफेस की तरह काम करता है मतलब सपोज़ यहाँ पे यूज़र हैं अब बहुत सारे यूज़र्स काम कर सकते हैं और यहाँ पे कंप्यूटर के डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइसेस हैं कंप्यूटर के डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइसेस हैं तो इनके बीच में एक इंटरफेस की तरह जो डिवाइस काम कर रहा है यहाँ पर इंटरफेस की तरह जो डिवाइस काम कर रहा है वो इंटरफेस क्या है वो इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम ही है वो इंटरफेस कौन है वो इंटरफेस एक्चुअली देखा जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही है ओ है ना तो यूज़र और हार्डवेयर के बीच में जो इंटरफेस की तरह काम करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो बेसिकली यूज़र की सभी कमांड्स को यूज़र जो भी कमांड्स देता है उन कमांड्स को एक्सेप्ट करता है और उन कमांड्स के अकॉर्डिंग इन सभी हार्डवेयर से कैसे काम करवाना है इन सभी हार्डवेयर तक पहुंचाता है और इन सभी हार्डवेयर से काम कैसे करवाना है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है इन कमांड्स को एग्जीक्यूट करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है आ गई बात समझ में अच्छे से चलिए आगे डिस्कस कर लें तो क्या क्या रीजंस होते हैं कैसे इंटरफेस की तरह काम कर रहा है कैसे यूजर कमांड देते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल होता है तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ मैंने लिखी हुई है जो प्रीवियस वीडियो में हमने रोल्स के फॉर्मेट में डिस्कस की थी प्रीवियस वीडियो देखा है ना आपने रोल्स पढ़े हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के हमने वही रोल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं ठीक है डिटेल में कि एक्चुअली कंप्यूटर के साथ में कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ में और यूज़र के साथ में ऑपरेटिंग सिस्टम जब इंटरफेस की तरह काम कर रहा है यूज़र कमांड दे रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम उसको परफॉर्म कर रहा है कैसे रिस्पॉन्सिबल है किस तरीके से तो यहाँ पे देखो ऑपरेटिंग सिस्टम रिकॉग्नाइज करता है एंड इंस्टॉल करता है सारे पेरिफेरल डिवाइसेस को जितने भी कंप्यूटर सिस्टम में डिवाइसेस कनेक्ट हैं कीबोर्ड माउस प्रिंटर स्कैनर मॉनिटर है ना आप यदि कोई बायोमेट्रिक सेंसर वेब केम स्पीकर जितने भी डिवाइसेज हैं ये सब पेरीफेरल कहलाते हैं कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर डिवाइस हैं वो सभी पेरीफेरल कहलाते हैं इन्हें रिकॉग्नाइज करना और इन्हें इंस्टॉल करना मतलब सभी डिवाइस के डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं

आपका प्रोसेसर जो होता है कंप्यूटर सिस्टम में जो प्रोसेसर होता है बेसिकली वो प्रोसेसर मिलियंस ऑफ टास्क को एक सेकेंड में परफॉर्म करता है तो ये जो टास्क है वो मेमोरी में कहीं ना कहीं होती है तो मेमोरी शेयर करना उन टास्क के साथ में ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है हैंडल्स सिस्टम एरर्स एंड अलर्ट यूजर्स देखो सिस्टम के जितने भी एरर्स आती हैं उन्हें हैंडल करना और यूज़र को उन एरर के बारे में बताना उन्हें अलर्ट करना कि ये डिवाइस प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है ये फाइल आपकी करप्ट हो चुकी है ये फाइल आपके सिस्टम को हार्म कर सकती है ऐसे जो एरर्स आते हैं वो कौन हैंडल करता है वो कौन आपको इन्फॉर्म करता है ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है मैनेजेस सिस्टम सिक्योरिटी आपके सिस्टम को सेफ रखना सिक्योर रखने का काम भी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के कंधों पर ही होती है ठीक है अलाउ सॉफ्टवेयर टू कम्युनिकेट विथ हार्डवेयर जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो आप कोई विंडो मीडिया प्लेयर वी प्लेयर का यूज़ कर रहे हो आप कोई गेमिंग एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे हो पब्जी वगैरह खेल रहे हो आप कोई मूवी वगैरह देख रहे हो नेटफ्लिक्स अमेजॉन प्राइम का यूज़ कर रहे हो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो ये जितनी भी दुनिया भर की एप्लीकेशन है वो हार्डवेयर पर रन कर सके हार्डवेयर उस एप्लीकेशन को सपोर्ट कर सके आप उसके साथ में इजिली कम्युनिकेट कर सको ये काम कौन कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम इसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल ऑपरेटिंग सिस्टम ही है मूव्स डेटा टू एंड फ्रॉम दी हार्ड डिस्क ध्यान से समझ लो डेटा को हार्ड डिस्क में स्टोर करना डेटा को हार्ड डिस्क से एक्सेस करना सिस्टम मॉनिटर पे शो करना ये काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का है अब आपको अच्छे से पता है कि सीपीयू जो होता है प्रोसेसर जो होता है वो बेसिकली रैम के साथ रैंडम एक्सेस मेमोरी के साथ में डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करता है ठीक है लेकिन हार्ड डिस्क के साथ में नहीं तो रैम जो है प्राइमरी मेमोरी इसीलिए कहलाती है मेन मेमोरी इसीलिए कहलाती है क्योंकि प्रोसेसर वहीं से डेटा को एक्सेस करता है है ना लेकिन हार्ड डिस्क के साथ में एक्सेस नहीं कर पाता है क्योंकि वो सेकेंडरी मेमोरी हो जाती है सीपीयू को हार्ड डिस्क से यदि डेटा को एक्सेस करना है तो पहले हार्ड डिस्क से डेटा रैम में आएगा फिर रैम से सी के पास पहुँचेगा तो यहाँ पर ये जो मैनेजमेंट का काम है ना बेसिकली ये कौन मैनेज कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम मूव्स डेटा टू एंड फ्रॉम दी हार्ड डिस्क हार्ड डिस्क से डेटा को मूव करना हार्ड डिस्क में डेटा को स्टोर करवाना ठीक है ये बेसिकली स्टोरेज डिवाइस स्टोर करता है डेटा लेकिन डेटा पहुंच कैसे रहा है कौन सा डेटा पहुंचना है किस डेटा को उठाना है ये सब इंस्ट्रक्शंस का काम किसका है ऑपरेटिंग सिस्टम का है लोड्स एंड रन अदर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जितने भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है आपके कंप्यूटर सिस्टम में लोड होते हैं एप्लीकेशन रन होता है आपने डबल क्लिक किया किसी आइकन पे आपने सपोज दिस पीसी पर डबल क्लिक किया या आपके सिस्टम में कोई बढ़िया सा सॉफ्टवेयर है कोई वीडियो एडिटर है ठीक है सॉफ्टवेयर जिसमें आप एडिटिंग करते हो डबल क्लिक किया तो वो सॉफ्टवेयर पहले लोड होगा फिर रन होगा फिर आपका यूज़ कर पाओगे उसका तो ये लोडिंग में रन करने में उसे ओपन करने में हेल्प कौन कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल्स इनपुट्स एंड आउटपुट जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को आप यूज करते हो कनेक्ट करते हो अपने कंप्यूटर सिस्टम से उन्हें हैंडल कौन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर सिस्टम में ये अब आपको समझ में आ गया और क्या ज़रूरत है तो यदि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आपके ये कोई भी काम जितने अभी हमने डिस्कस किए ना ये कोई भी काम फुलफिल नहीं होंगे सक्सेसफुल नहीं होंगे यदि आपको कोई फाइल क्रिएट करनी है आपको कोई डिवाइस कनेक्ट करना है आपको जो भी कंप्यूटर से काम करवाना है कोई कैलकुलेशन करवाना है वॉट यू वॉन्ट टू डू विथ कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि बहुत जरूरी है दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम जो ये सारे टास्क परफॉर्म कर सकता है इन सारे टास्क के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है आई बात समझ में नाउ फैसिलिटेड कन्वीनियंट एक्सेस टू हार्डवेयर हार्डवेयर को कन्वीनियंट एक्सेस प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम बाय द यूजर बाय प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज टू इंटरैक्ट विद यूजर इन यूजर्स लैंग्वेज विद एट मोस्ट यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज जैसे मैंने बताया कि कंप्यूटर सिस्टम में आप जो भी लिखते हो कंप्यूटर सिस्टम में जैसे भी आप टाइपिंग करते हो बोल बोल कर कुछ इनपुट करते हो कैसा भी आप इनपुट करते हो कंप्यूटर सिस्टम में चाहे आप साउंड इनपुट करो वॉइस ऑडियो ग्राफिक्स इमेजेस टेक्सुअल सिलेक्शन स्कैन करके कुछ इंटर एंटर करो जैसा भी आप डेटा इनपुट करते हो कंप्यूटर उसे नहीं समझता है कंप्यूटर आपकी लैंग्वेज को तो बिल्कुल ही नहीं समझता है कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को समझता है वो आपकी लैंग्वेज नहीं होती है वो मशीन लेवल लैंग्वेज होती है ठीक है और लेकिन जब आपको आउटपुट मिलता है तो क्या आपको मशीन लेवल लैंग्वेज में मिलता है नहीं आउटपुट भी आपको आपकी ही फ्रेंडली लैंग्वेज में मिलता है तो यहाँ पर ये जो सब काम हो रहा है ना ट्रांसलेट करवाने के लिए तो ट्रांसलेटर्स होते हैं लेकिन ट्रांसलेटर्स को भी कौन इंस्ट्रक्ट कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम ही इंस्ट्रक्ट कर रहा है तो यहाँ पे यूज़र को फैसिलिटी देने के लिए हार्डवेयर को कन्वीनियंसी प्रोवाइड करने के लिए बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम ही हेल्प करता है सो so, वही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है कि फैसिलिटेट कन्वीनियंट एक्सेस टू हार्डवेयर यूज़र को कन्वीनियंटली कोई भी हार्डवेयर ईजिली मिल सके है ना यूजर को वो हार्डवेयर इजिली प्रोवाइड हो सके यूजर उसका यूज ईजिली कर सके ये फैसिलिटी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है यूजर फ्रेंडली ने सोने की आ गई बात समझ में इम्प्रूव एफिशियंसी ऑफ द सिस्टम सिस्टम की एफिशियंसी को बना के रखना सिस्टम की एफिशिएंसी को बना के रखना जैसे मैंने बताया प्रोसेसर मिलियंस बिलियंस ऑफ टास्क को एक सेकंड में कंप्लीट कर देता है तो आप सोचो सिस्टम आपका कितना इंप्रूव है कितना एफिशिएंट है कितना फास्टर स्पीड से काम कर रहा है ये एफिशिएंसी को मैनेज किसने किया हुआ है प्रोसेसर तो प्रोसेसिंग कर रहा है लेकिन ये ओवरऑल जो मैनेजमेंट का काम है ये कौन कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम ना सो इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम बाय मैनेजिंग वेरियस रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर लाइक सीपीयू मेमोरी ये जितने भी डिवाइस uh, हैं जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में कनेक्टेड हैं सी मेमोरी वगैरह इनको मैनेज कौन कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम सो एज टू गिव ऑप्टीमल परफॉर्मेंस तो जिसकी मदद से आपको ऑप्टीमल परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है कंप्यूटर सिस्टम की आई बात समझ में प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द सिस्टम सिस्टम को सिक्योरिटी भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही प्रोवाइड करता है ठीक है समझ में आई बात सिक्योरिटी मतलब कोई फाइल कोई फोल्डर कोई इंफॉर्मेशन कोई हार्डवेयर डिवाइस जो भी आप यदि कनेक्ट uh, करते हो या एक्सेस करते हो या क्रिएट करते हो तो उसको सिक्योर रखने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है या फिर कोई वायरस अफेक्टेड फाइल्स आ जाती है या कुछ ऐसी फाइल होती है जो ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से ही डिटेक्ट कर लेता है कि हाँ भाई ये हार्म कर सकती है तो उसके लिए आपको एरर मैसेज देता है so provide security to this of the system and its program and data by ensuring the authorized user यूज द सिस्टम थ्रू वैलिड यूजर अकाउंट्स आई बात समझ में तो वैलिड यूजर ही अपने सिस्टम को एक्सेस करें वैलिड यूजर ही आपके सिस्टम पर वर्क कर सकें जिन्हें परमीशन हो वैलिड यूजर जिन्हें परमीशन हो जो ऑथोराइज हो कोई अनऑथोराइज यूजर आपके सिस्टम को एक्सेस ना कर सके आपकी फाइल को हार्म ना कर सके इसके लिए भी ध्यान कौन रखता है इसके लिए सिक्योरिटी भी कौन देता है आपको ऑपरेटिंग सिस्टम देता है आप इसके लिए एंटी वायरस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हो लेकिन उस सॉफ्टवेयर को भी मैनेज कौन कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज कर रहे हैं तभी तो एंटी तो सॉफ्टवेयर प्रॉपर तरीके से वर्क करता है आई बात समझ में <laughs> एम्यूलेट फीचर्स नॉट अवेलेबल इन हार्डवेयर सच इज गिविंग इम्प्रेशन ऑफ हैविंग मोर मेमोरी अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड वर्चुअल मेमोरी राइट सो होप आपको यहाँ तक ना अच्छे से सारे पॉइंट समझ में आ गए यहाँ पे हमारा पूरा वीडियो फिनिश हो चुका है जि जिसमें हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत समझी कि क्यों हमें कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती है तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के मल्टीपल वर्क होते हैं जितने भी काम आपके हार्डवेयर डिवाइसेस करते हैं जितने भी काम आप कंप्यूटर से करवाना चाहते हो इन सभी के लिए आपको जिस बेसिक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसीलिए जब भी आप सिस्टम परचेज करते हो तो सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करवाते हो वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है नेक्स्ट वीडियो में इसे और डिटेल में हम समझेंगे समझ में आया तो आपको बने रहना है लास्ट तक मेरे साथ इस चैप्टर में जिसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत अच्छे से डिटेल में सारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर लेंगे तो मैग्नेट ड्रीन आपको ना सिर्फ के ट्वेल्व बल्कि सी यू टी एन -E टी एस सी ओलंपियाड यूपी बिहार बोर्ड और आप तो एमपी बोर्ड की प्रिपरेशन भी करवा रहा है हंड्रेड परसेंट फ्री ऑफ कॉस्ट विथ हाई क्वालिटी एजुकेशन यदि आप सारे वीडियो लेक्चर्स को एक्सेस करना चाहते हो तो यूट्यूब प्लेलिस्ट का तो आप यूज़ करते हो साथ ही आप मैगनेट बीन डॉट कॉम वेबसाइट का यूज़ कर सकते हो या फिर आप मोबाइल ऐप का भी यूज़ कर सकते हो सभी जगह से हंड्रेड परसेंट फ्री ऑफ कॉस्ट सारे वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाते हैं यदि आप यहाँ पे बुक्स ई बुक्स नोट्स ई नोट्स को एक्सेस करना चाहते हो तो उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में इजीली मिल जाएगी वहाँ से आप इसे एक्सेस कर सकते हो यदि आप रीसेंट अपडेट्स को या लेटेस्ट न्यूज़ को एक्सेस करना चाहते हो तो उसके लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो uh, कर सकते हो मीन्स कि आप फेसबुक इंस्टा ट्विटर जैसे पेजेस को फॉलो कर सकते हो ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सको साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में टिल देन स्टे यर स्टेपी थैंक यू सो मच